हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू ओर डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास सेकंड से यूनिट वन का चैप्टर नंबर वन, फर्स्ट डे एट स्कूल। ये एक पोएम है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज दियर्स। I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. ये जो पोएम है, इसमें ये जो बच्चा है ये सोच रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट डे है स्कूल में, पहली बार ये स्कूल जा रहा है, तो ये क्या क्या सोच रहा है ये बता रहे हैं। इसमें आई मीन्स होता है मैं, वंडर मीन्स टू हैव ए विश टू नो समथिंग, यानी कुछ जानने की इच्छा होना। यानी मैं सोचता हूँ, ये बच्चा कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं जब स्कूल में जाऊँगा तो मेरी ड्राॅइंग उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही गुड होगी जितनी कि दूसरे बच्चों की। नेक्स्ट में वो कहता है आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करेंगे या फिर मुझे घूरते रहेंगे। स्टेयर मीन्स होता है घूरते रहना। लुक एट समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक देखते रहना, घूरते रहना। और नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन। और थर्ड पैराग्राफ में कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जो मेरी टीचर होंगी वो किसके जैसे दिखाई देंगी, मम्मी के जैसे या फिर दादी माँ के जैसे। ग्रैन कहते हैं ग्रैंड मदर को। आई वंडर इफ़ माई पप्पी विल वंडर वेयर आई एम, या फिर वो कहता है कि जो मेरे घर में मेरा पप्पी है, पप्पी क्या होता है, छोटा जो पिल्ला होता है ना, डॉग का बेबी, वो होता है पप्पी। तो वो कह रहा है कि जो मेरा पप्पी है वो घर में ढूंढता रहेगा कि मैं कहाँ हूँ। अब देख लेते हैं इसके न्यू वर्ड्स को। वंडर, वंडर मीन्स होता है टू हैव ए विश टू नो समथिंग, यानी कुछ जानने की इच्छा होना। ड्राॅइंग, ड्राॅइंग तो आप जानते ही हैं, ड्राॅइंग क्या होती है, पिक्चर होती है। मेकिंग अ पिक्चर विद पेंसिल और अ पेन, कोई पिक्चर बनाना पेंसिल से या फिर पेन से। स्टेयर मैंने आपको बताया कि घूर कर देखना, टू लुक एट समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ग्रैंड क्या होता है, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। और पप्पी क्या होता है, पप्पी होता है डॉग का जो बेबी होता है ना, ए यंग डॉग, उसको बोलते हैं पप्पी। लेट्स रीड, आगे देखेंगे। आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू, मैं सोचता हूँ कि अगर जो समुद्र है वो क्या है, कैसा है, नीला है। रीडिंग इज फन, इसमें करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स को। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग, इस पोएम में जो बच्चा है वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है। द चाइल्ड वंडर्स वेदर इज ड्राइंग विल बी एज गुड एज अदर चिल्ड्रन इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, अपने टीचर के बारे में बच्चा क्या सोचता है। द चाइल्ड वंडर्स वेदर हिज टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन, उसकी जो टीचर है वो किसके जैसी दिखाई देंगी, मम्मी के जैसे या फिर दादी माँ के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल, क्या आप सोचते हैं कि बच्चा जो है अपने पप्पी को स्कूल लेकर जाएगा। यस द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल, वो चाहता है कि उसका जो पप्पी है वो भी स्कूल जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर पप्पी घर पर होगा तो वो उसको ढूंढता रहेगा। नेक्स्ट इज हियर, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या आपको याद है आपका फर्स्ट डे एट स्कूल, जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो कैसा लग रहा था आपको, एंग्री फील कर रहे थे, शाय, हैप्पी या फिर सैड। एंग्री कहते हैं गुस्से में, और शाय मतलब बहुत ही शर्मीले, हैप्पी माने खुश, सैड मीन्स दुखी। तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग टिक कर देना है कि आपको उस दिन कैसा लग रहा था, एंग्री फील कर रहे थे या फिर शाय फील कर रहे थे या फिर हैप्पी फील कर रहे थे या फिर सैड फील कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक, जब आपने क्लास में एंट्री की थी तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी थी क्लास में। तो
तो ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आपने जब स्कूल में गए थे तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी थी। जैसे कि कुछ बच्चों को क्लासरूम अच्छा लगता है, क्लास के बच्चे अच्छे लगते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कि आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ सो मैनी स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द क्लासरूम। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने क्लास में बहुत से बच्चों को खेलते हुए देखा। नेक्स्ट क्या है, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड, ऐसा कौन था जिसको आपने अपना पहला दोस्त बनाया। तो ये तो आपको पता होगा ना कि आपने अपना पहला दोस्त किसको बनाया था, है ना। तो इसमें आप उस फ्रेंड का, अपने फ्रेंड का नेम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा करना। आई एंजॉय ईटिंग लंच ड्यूरिंग रेसेस इन द क्लासरूम, जैसे क्लासरूम में रेसेस के टाइम यानी लंच ब्रेक के टाइम लंच करना बहुत अच्छा लगता है, और किसी किसी बच्चे को जो होता है प्लेग्राउंड में खेलना अच्छा लगता है। तो ये आपको अपने अनुसार बता देना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पैट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, क्या आपके घर में कोई पैट है जो आपके आने का इंतज़ार करता है स्कूल से। अगर आपके यहाँ है तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप नो लिख देंगे, ठीक है। अगर आपके घर है तो आप लिख देंगे यस आई हैव ए पैट एट होम हु वेट्स फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। लेट्स लिसन एंड सिंग, इसको सुनना है आपको और गाना है। ब्रश 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 योर टीथ ब्रश देम एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे, कॉम 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 योर हेयर कॉम इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कॉम इट एवरी डे, वॉश 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 योर फेस वॉश इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर वॉश इट एवरी डे। आपको इस पोएम को गाना है, आप इसको फिर से आप लोग सुन लेंगे और दोबारा से इसको साथ में गाएंगे, ओके। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके पास एक पिक्चर बनी है उसमें उन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, एक वर्ड आपके लिए दिया है। तो यहाँ पर हमने एक जो फर्स्ट वर्ड बनाया है वो बनाया है पॉट। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे टी ए पी टैप, और हम बना सकते हैं यू एस एस, और हम बना सकते हैं पॉप पी ओ पी पॉप। इसके अलावा हम बना सकते हैं पोटैटो पी ओ टी ए टी ओ। इसके अलावा हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं, हॉप बना सकते हैं एच ओ पी। अभी मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, आपको उससे कुछ वर्ड्स बनाने हैं। आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मैं आपको वर्ड दे रही हूँ एजुकेशन, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन एजुकेशन। आप इससे वर्ड बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपने इसमें से कितने वर्ड बनाए। एक मैं आपको दे देती हूँ सी ए टी, बाकी वर्ड्स आप खुद बनाएंगे। सर्कल, व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग, नाउ राइट द नेम्स ऑफ योर थिंग इन द बॉक्स ब्लो। यहाँ पर कुछ चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं, इनमें से आप कौन सी चीज़ों को स्कूल लेकर जाते हैं उस पर आपको सर्कल करना है, और नीचे बॉक्स दिया है उसमें उनका नेम भी लिख देना है। तो आप देखेंगे इसमें से हम स्टार्टिंग करते हैं, तो क्या आप रूलर को स्कूल में लेकर जाते हैं, तो यस इस पर आप सर्कल कर देंगे कि आप रूलर को स्कूल में लेकर जाते हैं। शार्पनर, तो इस पर भी आप सर्कल कर देंगे। पेन या पेंसिल आप लेकर जाते हैं तो उस पर भी आप सर्कल कर देंगे। आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन स्कूल में तो अलाउड नहीं है, आप स्कूल में नहीं ले जा सकते। बुक्स, तो आप इसको लेकर जाते हैं। और टॉयज़ भी अलाउड नहीं होते। और पेबल्स, नहीं पेबल्स भी आप स्कूल नहीं लेकर जा सकते। और इसके अलावा
आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, इरेज़र, तो इरेज़र पर आप सर्किल कर देंगे। इसके अलावा वाटर बॉटल, वाटर बॉटल तो वाटर तो हमारे लिए इसेंशियल होता है, तो वाटर बॉटल हम लेकर जाते हैं। और इसके अलावा जो है टिफ़िन लेकर जाते हैं आप, यस, लंच ब्रेक में आप टिफ़िन तो करते ही हैं। और पेंसिल, यस। और जो चीज़ें आप नहीं लेकर जाते उस पर आप क्रॉस कर देंगे, बाकी चीज़ों पर आप सर्कल करके इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो यहाँ पर बॉक्स में लिख देंगे। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ईटिंग, राइडिंग, गोइंग, स्टडिंग, शेयरिंग, रिटर्निंग, लाफिंग। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर फर्स्ट बॉय क्या कर रहा है, ये कर रहा है ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, ईट करते हैं, तो ईटिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईटिंग ब्रेकफास्ट। सेकंड में बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो इसमें आएगा राइडिंग। साइकिल चलाने को, किसी भी चीज़ को चलाने को बोलते हैं राइडिंग, ठीक है, इसमें राइडिंग फिल कर देंगे। और ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो गोइंग टू स्कूल आ जाएगा, इसमें आप क्या फिल कर देंगे, गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाफ भी कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आपके पास क्या चीज़ दिया है रिबन में, शेयरिंग भी कर सकते हैं और लाफिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स के साथ हंस भी रहे हैं और शेयर भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडिंग इन क्लास। और ये बच्चा कहाँ जा रहा है, ये घर जा रहा है स्कूल से, तो वापस जा रहा है, तो रिटर्न कहते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।